तो बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की देखो लास्ट लेक्चर में हमने लाइपोजोम नियोजोम नेनो पार्टिकल और उससे लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट एंड अप्रोचेस एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ कंप्लीट कर लिया अब आपका रह जाता है टॉपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और ये टॉपिक मैंने आपको बायोटेक सिक्स सेम में पढ़ा रखा है तो आइए मैं उस वीडियो को यहाँ पर अटैच कर देता हूँ ये आपका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि ये आपको एन यूनिट फोर में भी दे रखा है तो वही वीडियो में यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन भी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एप्लीकेशंस भी हैं किस तरह से आप उसे डेवलप करते हैं काफी डिटेल लेक्चर है ठीक है काफी डिटेल लेक्चर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का तो आपका काम आसान हो जाएगा तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं वहां पर लाइव लेक्चर भी होते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी होती है तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप क्या बना सकते हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ठीक है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इसका प्यूरिफिकेशन और इसकी एप्लीकेशन हमें देखनी है आज के इस लेक्चर में ठीक कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती कैसे है तो देखो दो साइंटिस्ट थे एक तो है जी कोलर और एक है सी मिलस्टिन ठीक 1975 की बात है ने डिस्कवर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था जी कॉलर सी मिलस्टिन 1975 में अब यहां पर कैसे क्या होगा वो ध्यान से सुनते चाहिए अभी शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है बट एट दी एंड आपको पूरा क्लियर हो जाएगा तो बस ध्यान से सुनते चाहिए अभी तक तो आपको क्लियर है कुछ भी नहीं बताया मैंने मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हो ठीक है और जी कोलर सी ने 1975 में डिस्कवर की थी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को अब आगे देखिए जो आपका बी लिम्फोसाइट है देखो हमें बनाना क्या है एंटीबॉडी तो लिम्फोसाइट तो चाहिए ना तो जो आपका बी बीलिम्फोसाइट है उसे हमें फ्यूज कराना है कैंसर सेल से अभी सिर्फ सुनते चाहिए बी लिंफोसाइट को किससे फ्यूज कराना है कैंसर सेल से तो उससे बनेगा हमारे पास एक हाइब्रिड और इस हाइब्रिड को हमें कराना है कल्चर या फिर repeat, सब कल्चर आई रिपीट सबसे पहले लेना है bilimfocyte, bilimfocyte को कराना है फ्यूज कैंसर सेल से तो बनेगा हाइब्रिड और इस हाइब्रिड का हमें कराना है कल्चर और सब कल्चर अब ये जो हाइब्रिड हमारे पास बना है ये जो हाइब्रिड सेल हमारे पास बनी है कल्चर कराने के बाद ये बना सकती है एंटीबॉडीज तो ध्यान से सुनना ये बी लिम्फोसाइट इसको हमने कैंसर सेल से इसलिए फ्यूज कराया क्योंकि कैंसर सेल के पास अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है और ये बहुत ज्यादा सेल डिवाइड करती है कैंसर की अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है तो अगर कैंसर सेल को बी लिम्फोसाइट के साथ में फ्यूज करा दू तो बी लिम्फोसाइट भी क्या करेगी अनकंट्रोल डिविजन करेगी और अगर ये अनकंट्रोल डिविजन करेगी तो अनकंट्रोल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा ये फायदा है हमें ध्यान तो रखना इसलिए हम फ्यूज करा रहे हैं बी इंफोसाइड को कैंसर सेल से इसलिए फ्यूज करा रहे हैं क्योंकि कैंसर सेल में अनकंट्रोल डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है तो बी इंफोसाइड भी अनकंट्रोल डिवीजन करेगी और जब बी इम्फोसाइड अनकंट्रोल डिवीजन करेगी तो वो अनकंट्रोल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है बहुत सारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है तो बी इंफोसाइड फ्यूज विथ कैंसर सेल जिससे बनता है एक हाइब्रिड हाइब्रिड को करना है लेबोरेटरी में कल्चर या फिर सब कल्चर जिससे बनेगी एक हाइब्रिड सेल और ये हाइब्रिड सेल जो है एंटीबॉडी बना सकती है ठीक है अब देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्यूमर सेल इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पर इनडेफिनाइट डिविजन होता है और बी इंफोसाइड को हमने पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ है कि आपको ये वाली एंटीबॉडी बनानी है कोई एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी ना तो बी इम्फोसाइट प्री प्रोग्राम टू रेस्पोंड ए सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन ठीक है एंटीजन का मतलब होता है जो हमें नुकसान पहुंचाने आ रहा है तो उसके खिलाफ हमारी जो बी है वो एंटीबॉडी बनाएगी ये आपको पहले से पता होगा कि एंटीजन जो हमें नुकसान पहुंचाता है पूरी इम्यूनिटी पढ़ ली आपने अब तो आपका आइडिया हो गया हो गया होगा कि एंटीजन वो जो हमें हमारी होस्ट सेल को हमारी होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाए और एंटीबॉडी उसके खिलाफ रिलीज करती है हमारी इम्यून सिस्टम ठीक है तो जो हमारा लिम्फोसाइट है उसको प्री प्रोग्राम किया गया है किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए अब यहां पर देखिए आप लास्ट में एंटीजन प्लस लिंफोसाइट रैपिड डिविजन ठीक है जैसे ही एंटीजन आएगा एंटीजन आया मान लीजिए एंटीजन क्या है हमारे लिए नुकसानदायक और हमारी लिंफोसाइट क्या करेगी उस पर अटैक करने की कोशिश करेगी तो हमारी लिम्फोसाइट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर सकती है बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना सकती है क्योंकि उसे हमने हाइब्रिड बना लिया उसे हमने कैंसर सेल से से फ्यूज करवा लिया तो इस तरह एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है यहां पर लास्ट में लिखा भी हुआ है रेपिड डिविजन इन लिफोसाइट क्लियर हुआ और ये टेक्निक किसने डिस्कवर करी थी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी सी मिलस्टेन और जी कोलर ने नाइनटीन में चलिए आगे चलते हैं यहां पर आपको दिखा रखा है कि बीटा सेल अगर डिवाइड करेगी तो बहुत सारी बीटा सेल बना लेगी और बहुत सारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन क्या कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन ठीक है अब ये देखिए ये है डाईहाइड्रोफोलेट डाईहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट में और टेट्रा हाइड्रोफोलेट से फाइनली हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है यहां पर कुछ पाथवे आपको दिखा रखे हैं जैसे हाइपोजेंथिन पे डलता है, और इन सबसे आर एन ए तो ये कुछ हैं अल्टीमेटली आपका का फॉर्मेशन होता है ठीक अब हमें देखना है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम कैसे बना सकते हैं हमने ये तो देख लिया कि हम कैंसर सेल से क्यों फ्यूज करा रहे क्या होता है सारा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया अब देखते हैं प्रोडक्शन कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है किस तरह से आप एंटीबॉडी को बना सकते हैं तो प्रोडक्शन में आपको स्टेप्स दे रखी है जैसे इम्यूनाइजेशन सेल्फ फ्यूजन सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा स्क्रीनिंग द प्रोडक्ट ठीक है क्लोनिंग एंड प्रोपोगेशन कैरेक्टराइजेशन एंड स्टोरेज तो टेंशन मत लो वन बाय वन देखेंगे और इतनी इजी है इतनी इजी है कि दस मिनट में ऐसे याद हो जाएगी कभी नहीं भूलोगे देखो सबसे पहली स्टेप है फॉर्मेशन में प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में सबसे पहली स्टेप है इम्यूनाइजेशन देखो सबसे पहले आपको लेना है एक चूहा आपको दिख रहा है ना एक चूहा एक माउस आपने ले लिया उस माउस में आपको इंजेक्शन लगाना है एंटीजन का अब आप बोलोगे सर एंटीजन तो खतरनाक होता है वो माउस बेचारा मर जाएगा उसमें एंटीजन क्यों लगा रहे हो एंटीजन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माउस में जो ब्लड वगैरह है माउस में जो इम्यूनिटी है माउस में एंटीबॉडी बनने लगेगी ना क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम एंटीजन को डाल रहे हैं और अगर एंटीजन को डालेंगे तो क्या बनेगा एंटीबॉडी बनेगी आई रिपीट माउस में हम इंजेक्शन लगाकर इस एंटीजन को डाल रहे हैं 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 ये जो एंटीजन दिख रहा है ना इसको डाल डाल रहे रहे इंजेक्शन लगाकर और बार बार मल्टीपल टाइम डाल रहे हैं ताकि माउस में एंटीबॉडी बने बने क्या माउस में एंटीबॉडी और माउस में एंटीबॉडी कौन बनाएगा वही लिम्फोसाइट तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडी बनाती है कब जब आप बार बार एंटीजन डाल रहे हो माउस में एंटीजन आएगा तो एंटीजन के खिलाफ माउस की जो इम्यूनिटी है वो बीटा लिंफोसाइट बीलिंफोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी तो एंटीबॉडी बढ़ती जाएगी तो जब हमें लगे कि बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी बन चुकी है आई रिपीट जब हमें लगे कि एंटीबॉडी बहुत सारी बन चुकी है माउस में उस टाइम माउस को किल कर दो सर बड़े खराब हो आप अरे भाई मैं खराब नहीं हूं ये प्रोसेस खराब है सबसे सब पहले चूहे को लो ठीक है फिर उसमें एंटीजन डालो बेचारे में फिर उसमें एंटीबॉडी बनाओ और जब ऑप्टिमल एंटीबॉडी बन जाए जब आपका काम हो जाए तो आप उसको किल करके बोल रहे हो सैक्रीफाइस ये कौन सा साइस हो गया ये तो ठीक तो है सब लिख के जाने हमारे हाथ में नहीं है करना पड़ेगा ठीक है अब देखो जैसे ही हमने चूहे को सेक्रीफाइस कर दिया अब उसकी स्प्लीन को हमें निकालना है और हाँ ये बात ध्यान रखना कि एसेप्टिकली निकालो ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह वहां पे ना लग जाए साथ ही साथ स्प्लीन में से हमें जो भी फालतू का मटेरियल है फालतू का मटेरियल जैसे कि अदर सेल सेलुलर डेब्रेस उन सबको रिमूव करना है है ठीक तो किससे रिमूव करोगे डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूगेशन से। में इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप जो है सेपरेट कर लोगे आपकी स्प्लिन की लिम्फोसाइट को बाकी सेलुलर डेब्रेस को अलग कर दोगे जो भी होगा सेल का जो भी वेस्ट होगा वो अलग हो जाएगा और वहां तो पे एंटीबॉडी बनवा रहे हैं सबसे पहले चूहे को लिया उसमें एंटीजन डाला चूहे की बीटा लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई एंटीबॉडी बनाने के बाद सफिशियंट अमाउंट में एंटीबॉडी जब बनी तो हमने चूहे को सेक्रीफाइस कर दिया और उसके बाद उसकी स्प्लिन को हमने एसेप्टिकली वहां से रिमूव कर दिया और उसके बाद हमने उसका सेंट्रिफिकेशन करा दिया ताकि जो भी सेलुलर डेब्रीज हो आपकी स्प्लिन लिम्फोसाइट में वो हट जाए ठीक है अब आपके पास आ चुका है लिम्फोसाइट और अब आप आ चुके हो सेकंड स्टेप पे सेल फ्यूजन नाम से पता लग रहा सेल का फ्यूजन कराना है तो जो भी आप लिम्फोसाइट लेकर आए थे उसको आपको फ्यूज कराना है एच डिफेक्टिव मायोलिमा सेल और ये मायोलिमा सेल मतलब कैंसर सेल और आपको पता है कि कैंसर सेल से क्यों फ्यूज करा रहा हूं क्योंकि यहां पर ग्रोथ करने की डिविजन करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी इसकी वजह से तो एच डिफेक्टिव ये एंजाइम है एच इसकी डिफेक्टिव सेल होनी चाहिए एच डिफेक्टिव मायोलिमा सेल को मैं फ्यूज कराऊंगा उस लिंफोसाइड से जो मैंने बेचारे चूहे को सेक्रीफाइस करके लेकर आया हूं ठीक है सर हमें यहां तक क्लियर हो गया लिंफोसाइड लेना है और लिम्फोसाइट को एच जी पी आर टी डिफेक्टिव मायलिमा सेल से जो है फ्यूज करा देना है और फ्यूज कराने के बाद क्या होगा कि आपको इस मिक्सचर को पीई जी से ट्रीट करना है जैसे मान लीजिए मिक्सचर बन गया लिंफोसाइड का और एच जी पी आर टी डिफेक्टिव मायोलिमा सेल का तो ये जो मिक्सचर बना है ना इस मिक्सचर को आपको ट्रीट कराना है पीई जी के सोल्यूशन से थोड़ी देर कराना और फिर इसको वॉश कर देना वॉश क्यों करना है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है पर करना भी जरूरी है तो ध्यान रखना ये जो लिम्फोसाइट और एचजीपीआरटी डिफेक्टिव माइलिमा सेल का बना है इस कॉम्प्लेक्स को आपको पीईजी से ट्रीट करना है और जब आप इसे पीईजी से ट्रीट करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको इसको वॉश भी कर देना है ताकि यहां से हट जाए क्योंकि ये टॉक्सिक होता है नीचे मैंने लिखा हुआ है द मिक्सचर ऑफ सेल इज ट्रीटेड विद पीईजी बट फॉर फ्यू मिनट बिकॉज इट्स टॉक्सिसिटी ठीक है फिर हमें इसको वॉश करना है ताकि हम पीईजी को रिमूव कर सके और फिर हमें इसको फ्रेश मीडियम में रख देना है ठीक है अब फ्रेश मीडियम में रखने के बाद आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आएगा उसमें सब चीजें होंगी हाइब्रिडोमास होंगे फ्यूज सेल होगी मतलब कुछ फ्री लिंफोसाइड भी होंगे कुछ मायोलिमा सेल भी होगी मतलब ऐसा जो मिक्स नहीं हुए आपस में लिंफोसाइड अलग मायोलिमा सेल अलग एच जी पी मायोलिमा सेल अलग होगी लिंफोसाइट अलग होंगे और जो फ्यूज हो चुके होंगे वो अलग होंगे तीन तरह से कंडीशन बनेगी एक तो एच जी पी आर टी डिफेक्टिव एंजाइम अलग होगा ठीक है आपका जो माइली मसैल है वो अलग होगा एक फ्री लिम्फोसाइट अलग होगी और एक दो, इन दोनों का फ्यूजन होगा तीन चीजें वहां पर मिलेगी तो अब इन तीन चीजों में से हमें हाइब्रिड अलग निकालना है मतलब फ्यूज वाला अलग निकालना है ये तो हमें चाहिए ही नहीं लिम्फोसाइड मायोलिमा हमें तो चाहिए फ्यूज वाला तो इस फ्यूज वाले को इस हाइब्रिडोमा को सेपरेट करने के लिए अब थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा इससे पहले था फ्यूजन और फ्यूजन होने के बाद जिसमें फ्यूजन हुआ है उनको निकालना है क्योंकि उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा हमारी फ्यूज सेल तो सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा तो यहाँ पर सारा मटेरियल मैं रख दूंगा इस मीडियम में जिसका नाम है एच ए टी मीडियम हाइपोजेंथिनोपटेरिन थाडीन रिपीट क्या होगा कि जो hybridoma होंगे ना हाइब्रिडोमा तो सर्वाइव कर लेंगे इस medium में और grow कर लेंगे। हाइब्रिडोमा क्या करेंगे ग्रो कर लेंगे और बाकी की जो भी फालतू सेल होगी ना वो सारी मर जाएगी यहाँ पर तो ध्यान रखना अगर आपको इनको अलग करना है ना जैसे माइली सेल को अलग करना है फ्रीलिम्पोसाइड को अलग करना है हाइब्रिडोमा से तो आपको इसको रख देना है एच ए टी मीडियम में मतलब थायमिडिन मीडियम में ये एक कल्चर मीडियम है जहां पर आपका हाइब्रिडोमा सेल तो ग्रो हो जाएगा पर जो बाकी की रिमेनिंग सेल है वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगी सात से दस दिन में हाइब्रिडोमा सेल तो ग्रो हो जाएगी आपकी फ्यूजन वाली सेल तो ग्रो हो जाएगी बाकी जो है स्लोली स्लोली डिसअपियर हो जाएगी सात से दस दिन में ठीक है अब एक बात ध्यान से सुनो जितना अच्छा आप हाइब्रिडोमा सेल को रखोगे इब्रिडोम सेल को आप जितना अच्छा कल्चर मीडिया दोगे हाइब्रिडोमा सेल को आप जितना अच्छा ग्रो कराओगे ये उतनी ही अच्छी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा ठीक है तो लास्ट में लिखा है स्क्रीनिंग द प्रोडक्ट अब जो प्रोडक्ट आया है उसकी स्क्रीनिंग करानी है द हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड एंटीबॉडी आर आइडेंटिफाइड बाय स्क्रीनिंग देखो जो हाइब्रिडोमा सेल है वो हमारी डिजायर एंटीबॉडी निकालेगी जो हमें चाहिए उसे हम स्क्रीनिंग कर लेंगे छान लेंगे द एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय द हाइब्रिड सेल इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और जो हाइब्रिड सेल जो फ्यूज सेल एंटीबॉडी बनाती है उसी एंटीबॉडी को तो हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो मुबारक हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन गई सबसे पहले इम्यूनाइजेशन फिर सेल का फ्यूजन कराया फिर हमने सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा देन हमने करा दी स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड फाइनली वी गेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आफ्टर द स्क्रीनिंग हमें यहाँ पर क्लोनिंग एंड प्रोपोगेशन करना होगा मतलब जो हमारे पास सिंगल हाइब्रिड सेल आई है उस हाइब्रिड सेल को हमें और बढ़ाना होगा उसके क्लोन बनाने होंगे ठीक है तो जो हाइब्रिड सेल है उसके क्लोन बनाने होंगे ताकि जितनी ज्यादा हाइब्रिड सेल उतनी ज्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनेगी तो हाइब्रिड सेल के क्लोन बनाने के लिए दो टेक्निक होती है लिमिटिंग डाइल्यूशन मेथड और सॉफ्ट आगार मेथड बस इतना याद रखना है लिमिटिंग डायल्यूशन मेथड एज वेल एज सॉफ्ट अगार मेथड दिस टू टेक्निक आर टू क्लोन द हाइब्रिडोमा सेल और वी कैन से हाइब्रिड सेल फ्यूज सेल ठीक है तो ये हो गई प्रोडक्शन की बातें अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन अभी जो हमने प्रोडक्शन किया अभी जो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई एम ए बी मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एस का मतलब एंटीबॉडीज मतलब बहुत सारी एम का मतलब मोनोक्लोनल ए बी का मतलब एंटीबॉडी तो जो एंटीबॉडी हमने बनाई जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने बनाई हाइब्रोम टेक्नोलॉजी से उसको करना है हमें प्यूरिफिकेशन ठीक है प्यूरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एंटीबॉडी एंटीबॉडी अब एंटीबॉडी के साथ जो सेलुलर डेबरीज है जो सेल का मटेरियल है कुछ अदर सेल है उन सबको हटाना है और उन सबको हटाने के लिए प्यूरिफिकेशन तो करना जरूरी है ठीक है तो देखो डिजायर्ड एंटीबॉडी मैंने दिखा रखी है आपको ये हमारा मीडिया दिखा रखा है ठीक है और यहां से हमें इस डिजायर्ड एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट आउट करना है अब देखो for purification, देखो फॉर प्यूरिफिकेशन हो सकता है हमारे सैंपल में जिसमें हमने ट्रीट कराया हाइब्रिडोमा को वहां पर कंटामिनेंट्स हो ठीक है कुछ कंटामिनेशन हो तो इस वजह से कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए हम हमारी डिजायर्ड एंटीबॉडी का क्या कराएंगे प्यूरिफिकेशन कराएंगे सो फॉर प्यूरिफिकेशन द सैंपल इज मॉडिफाइड ठीक है किस तरह से प्यूरिफाई करेंगे जो बाकी बची हुई सेल है उनको रिमूव कर देंगे सेल अगर कोई लिपिड पार्टिकल तो कर देंगे कोई क्लोटिंग मटेरियल है तो उसे रिमूव कर देंगे और रिमूव करेंगे हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में इस तरह से होता है। और इस तरह से राउंड 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 जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है तो वहां पर रिमूवल हो जाता है सेल का सेल डेबरेज का लिपिड का क्लोटेड मटेरियल का और हमें मिल जाता है हमारा डिजायर्ड एंटीबॉडी ठीक है अब यहां पर मेंशन है कि इफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज नॉट सफिशियंट मान लीजिए एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है आपको लग रहा है कि और आनी चाहिए थी एंटीबॉडी ये तो बहुत ही कम एंटीबॉडी आई है तो फिर आप फिल्ट्रेशन कराओ या डायलाइसिस कराओ आप कराओ फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या होगा और आपको फॉर्म में एंटीबॉडी मिलेगी जो अगर वहाँ पर अटक भी गई होगी रह भी गई होगी कंडेंसेशन ठीक है तो इस तरह से प्योरिफिकेशन होगा और अगर कोई चार्ज इंप्योरिटी है मान लीजिए आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ चार्ज इंप्योरिटी है जैसे न्यूक्लिक एसिड है एंडोटॉक्सिन है तो इसको सेपरेट कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से चार्ज इंप्यूरिटी को रिमूव कर दो और प्यूरिफिकेशन अगर करना है तो सेंट्रिफिकेशन कर लो और सेंट्रिफिकेशन से अगर प्रोडक्ट सफिशियंट नहीं आ रहा तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर दो ठीक है सेंट्रिफिकेशन अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी उसके बाद जो प्यूरिफाइड एंटीबॉडी है वो रिकवर्ड आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस इल्यूशन जब मैंने आपको लेक्चर नंबर वन पढ़ाया था तब मैंने आपको इल्यूशन समझाया था ठीक है यूनिट वन का लास्ट लेक्चर और यूनिट वन के फर्स्ट लेक्चर में इल्यूशन बता रखा है मैंने इल्यूशन का मतलब होता है रिमूवल करना यूजिंग ए लो पीएच बफर और ए जेंटल हाई सोल्ट इल्यूशन बफर यह आपको बफर यूज करना है या तो लो पी एच बफर या फिर हाई सोल्ट इल्यूशन बफर ठीक अब एप्लीकेशन की बात करें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो आपने बना ली अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बहुत सारा पर्पस है आप डायग्नोस्टिक में आप यूज ले सकते हैं डायग्नोस करने में आई रिपीट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर यूज इन द डायग्नोस्टिक पर्पस डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है इसकी सेकंड है थेरेप्टिक एप्लीकेशन थर्ड है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज मिसलेनियस एप्लीकेशन तो वन बाय वन देखेंगे सबसे पहले डायग्नोस करना देखेंगे कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक कौन कौन सी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं किस किस को आप ठीक कर सकते हैं थेरापेटिक एप्लीकेशन देखेंगे प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन देखेंगे और मेसेल एप्लीकेशन देखेंगे देखिए बात करते हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन की तो एलाइजा और एलाइजा आप यूनिट नंबर फोर में पढ़ेंगे एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड लिंकड इम्यूनोसोर्बेंट एज डबल एस ए एवा एज ए ये होती है एलाइजा तो एलाइजा एड्स के डिटेक्शन में काम आता है तो आप इससे एड्स का डिटेक्शन कर सकते हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से आप एड्स का डिटेक्शन कर सकते हो साथ ही साथ आप कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हो आप अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उसका डिटेक्शन मतलब उसकी डायग्नोज भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हॉर्मोनल डिसऑर्डर में आप एनालाइज करने वाले हो थारोक्सिन को ट्राई आयोडो थारोन और थारॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इन सबको डिटेक्ट करके आप बता सकते हो कि कौन सा डिसऑर्डर डिसऑर्डर है है ठीक फिर इंफेक्शियस को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो और अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट कर सकते हो देखो कैसे डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेजरिंग द यूरिनरी लेवल ऑफ एचसी एच सी जी होता है ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन और यह हार्मोन तभी रिलीज होता है जब माँ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद ये हॉर्मोन रिलीज होता है तभी रिलीज होता है और जो प्रेगा न्यूज वगैरह आप लेकर आते हो ना वहां पर जब आप यूरिन की ड्रॉप डालते हो तो वो प्रेगा न्यूज भी एक तरह का एच इंडिकेटर है वो प्रेगा न्यूज बताता है कि एच है या नहीं है अगर एच सी होगा एच सी प्रेजेंट है तो मदर प्रेग्नेंट है और अगर एच सी नहीं है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेगा न्यूज भी क्या होता है एच सी इंडिकेटर ही होता है यहां पर हम यूरिन की ड्रॉप डाल के यूरिनरी लेवल में एससीजी का अमाउंट चेक करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं डायग्नोस कर सकते हैं और अगर डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आप इमेजिंग की तरह भी यूज ले सकते हो जैसे कि मान लीजिए ये आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इस एंटीबॉडी पे मैं लेबल कर देता हूं आइसोटोप को रेडियो आइसोटोप को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ लेबल कर देता हूँ मतलब यहां पर मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर एक आइसोटोप लगा दिया रेडियो आइसोटोप जैसे कि आयोडीन अब क्या होगा जैसे ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होस्ट में जाएगी तो ये अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाएगी जैसे अगर मुझे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पता लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ कैंसर का पता लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पता लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लेबल करके उस उसपे रेडियो आइसोटोप अटैच करके जैसे कि आयोडीन 131 हम उससे इमेजनिंग कर सकते हैं वहां के फोटो वगैरह हम देख सकते हैं तो कैंसर के केस में आर्टीरियोस्लोसिस अथेरोसिस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डीप वेन वेन्थ्रोमरोसिस एज वेल एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप ये टेक्निक का यूज ले सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन डायग्नोस्टिक इमेजनिंग नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थेरेप्टिक की मतलब अब हमें सही करना है तो देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे काम करेगी आपको पता है एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी है तो एंटीजन से लड़ेगी और आपकी बॉडी को बचाएगी ठीक है तो देखो डायरेक्ट थेरेपेटिक एजेंट है क्यों क्योंकि यार ये तो एंटीबॉडी है एंटीबॉडी है तो कोई सांफेक्शन हो जाए बैक्टीरियल वायरल एलर्जन पैथोजन कुछ भी आ जाए ये तो लड़ेगी ना ये तो एंटीबॉडी है साथ ही साथ इट डिस्ट्रॉय डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म जो भी व्यथोजन आएंगे बैक्टीरिया वायरस जो भी व्यथोजन आएंगे उनसे भी ये लड़ेगी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, भी ये काम आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एज़ वेल एज़ साइक्लोस्पोरिन देखो अगर किसी तरह से हम डोज़ फ्रीक्वेंसी चेंज करें या अलग-अलग अमाउंट में करें तो हम इसे इम्यूनोसप्रेसिव की तरह भी यूज कर सकते हैं ठीक है एड्स के ट्रीटमेंट में भी काम आएगी कैंसर के ट्रीटमेंट में एड्स के ट्रीटमेंट में डायरेक्ट थर्मेटिक एक्शन में पैथोजन से लड़ने में ठीक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ऑटो इम्यून डिजीज में जैसे आर्थराइटिस हो गया उन सब में भी काम आती है हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और लास्ट में है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एड्स ट्रीटमेंट अगर डोज के फ्रिक्वेंट चेंज करें तो इम्यूनो सप्रेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कंडीशन में कैंसर की कंडीशन में ट्रीटमेंट में डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजन को किल करने में डायरेक्ट एजेंट की तरह भी काम आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो ये सारी थे एप्लीकेशन हो गई उसके लास्ट में प्रोटीन हो हो गया उससे पहले ये सारी गई तो ये है आपकी एप्लीकेशन ऑफ एम ए बी और उससे पहले हमने देखा प्यूरिफिकेशन ऑफ एम ए बी मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और उससे पहले हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और उससे पहले दे हमने देखा एक जनरल इंट्रोडक्शन ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है आई होप आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसी भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ये नोट्स आपको डेप्तो बायोलॉजी एप्लीकेशन पे मिलेंगे बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बायोलॉजी एप्लीकेशन से जुड़ जाना टेलीग्राम से जुड़ जाना इंस्टाग्राम से जुड़ जाना ताकि जो भी अपडेट होगी या फर्दर आगे बी बीफार्मेसी की बात जीपेड की तैयारी होगी जो भी होगा हम सारी रेगुलर अपडेट टेलीग्राम पे करते हैं एप्लीकेशन पे नए नए फंक्शन लाते हैं आपके लिए और इंस्टाग्राम पे मीम आते रहते हैं तो जाइए जाके सर्च कीजिए तीनों जगह पे ऑफ बायोलॉजी सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर ताकि ऐसी वीडियो में आपके लिए और लेकर आता रहूं